उन्होंने कहा, ये बेकार की बातें बंद करो, कोई सवाल पूछो, आज अंतिम दिन है। जब गुरु जीवित होते हैं तब वो लगातार आपको उलझन से निकालते रहते हैं, उसके बाद कोई सुलझाना नहीं होता। वो अच्छी तरह से जिए, जब मृत्यु आई तो वो अच्छी तरह मरेंगे। नमस्कारम सतगुरु, हम मौत से इतना क्यों डरते हैं? देखिए, अभी इतना डर इसलिए है क्योंकि आपके जीवन की अहम चीजें, केवल आपके कपड़े, आपके गहने, आपकी शिक्षा, वो कुछ लोग हैं जिन्हें आपने अपने आसपास इकट्ठा किया है, आपके जीवन का सार बस यही है। इन सारी चीजों को आपसे किसी भी पल छीना जा सकता है ना? यही वो इकलौती चीज है जो आपको मजबूती दे रही है। हाँ, वो थोड़ी सी शिक्षा, आपके कपड़े, आपके गहने, आपका बैंक बैलेंस, आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग, यही सब चीजें आपको एक प्राणी होने की मजबूती का एहसास दे रहा है। ये एक प्राणी नहीं है, ये बस एक जुगाड़ है। So, with such petty blocks, when you build a building, naturally you should be very worried when it'll collapse. अगर ऐसे मामूली टुकड़ों से आप एक इमारत बनाएंगे तो आप बड़ी चिंता में तो रहेंगे ही कि ये कब ढह जाएगी। अब इस हिस्से के लिए अगर मैं पत्थर की जगह एक टहनी का इस्तेमाल करूं, तो ये तय है कि मैं हमेशा चिंता करूंगा कि ये कब मेरे सिर पर गिर जाएगी, है ना? ऐसा है कि नहीं? यही आपकी चिंता है, यही आपका डर है, क्योंकि आप अपने जीवन को टहनियों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि ठोस चीजों से, असलियत से नहीं बल्कि मनगढ़ंत चीजों से। ऐसे में आप हमेशा डर में ही जिएंगे, जीने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है, जीने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जो टहनियों पर टिका है, तो ये डर कि कहीं आपके सिर पर ना आ गिरे स्वाभाविक होगा, है ना? आपके साथ बस यही हुआ है। अब समय है कि आप अपने जीवन में कोई इससे ज्यादा कारगर चीजें लेकर आए। अगर आप कोई ज्यादा कारगर चीजें ले आए तो अचानक आप पाएंगे कि अगर आप यहां बैठते हैं तो सब कुछ ठीक है, चाहे जीवन हो या मृत्यु, फिर भी ये ठीक है। ये ऐसे ही होगा। एक बहुत सुंदर कहानी है। बुद्ध अपने जीवन के आखिरी दिन पर वो हमेशा सुबह चावल के दलिये का नाश्ता करते थे, और नाश्ता पूरा होने पर वो हमेशा उन सन्यासियों से मिलते थे जो उनके आसपास होते थे, और हर रोज कहा करते थे, कोई सवाल है तो पूछिए। ये 40 सालों तक चला। अपने आत्मज्ञानी जीवन के 40 सालों में नाश्ते के बाद वो हर रोज बोलते थे, जो कोई भी वहां होता, 10 लोग, 10,000 लोग, चाहे कितने भी लोग हों, नाश्ते के बाद वो हमेशा बैठकर बोलते थे। तो अपने जीवन के अंतिम दिन उन्हें पता था कि ये उनका अंतिम दिन है। उन्होंने अपना चावल का दलिया खाया और वो बैठे और बोले, आज अंतिम दिन है, अगर आपके पास पूछने के लिए कुछ है तो पूछिए। तो बहुत से सन्यासी रोने लगे। उन्होंने पूछा, आप लोग रो क्यों रहे हैं? अगर आप कम से कम किसी और दिन रोते तो ये ठीक था, आज अंतिम दिन है, समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये बीता जा रहा है, किसी दूसरे दिन आप रोना धोना कर सकते हैं और आपके पास इन सारी चीजों के लिए समय होता। आज अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। वो हैरान थे कि लोग रो रहे हैं। लेकिन गुरुदेव, हम आपके साथ इतने लंबे समय से हैं और आज आप जा रहे हैं, और वो लोग रो रहे थे, कोई सवाल नहीं पूछ रहा था। उन्होंने कहा, ये बेकार की बातें बंद करो, कोई सवाल पूछो, आज अंतिम दिन है, कोई संदेह है, आइए उसे हल कर लें, उसके बाद केवल शिक्षा बचेगी, कोई भी इसे हल करने के लिए नहीं होगा। देखिए, हर शिक्षा के साथ आप उलझ सकते हैं, जब गुरु जीवित होते हैं तब वो लगातार आपको उलझन से निकालते रहते हैं, उसके बाद कोई सुलझाना नहीं होता, कुल मिलाकर बस साधना ही बचती है। तो आज अंतिम दिन है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया पूछिए। It's just matter of fact about it. He's lived well. When death comes, he will die well. He's so certain that he'll die well. बस यही सच है। वो अच्छी तरह से जिए, जब मृत्यु आई तो वो अच्छी तरह मरेंगे। वो बिल्कुल निश्चिंत हैं कि वो अच्छी तरह मरेंगे। तो ये बस एक और दिन है। एक दिन आपने शरीर धारण किया, एक और दिन आप इस शरीर के साथ घूमे, और एक दिन आप शरीर छोड़ देंगे। आप इसे एक बड़ा मुद्दा बना लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जीवन को लेकर आपकी दृष्टि बहुत संकरी है। काल भैरव के रूप में वो समय का संहार करते हैं, जिसे आप जीवन कहते हैं या आ रही मृत्यु, वो बस समय की वजह से है।
शुक्राचार्य ने उन्हें संजीवनी मंत्र से जीवित कर दिया। तब शिव ने कहा, उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें नियंत्रित कर लूंगा। मैं जो भी करने की कोशिश करूं, मैं वही बन जाता हूं। अगर मैं मृत्यु प्रदान करता हूं, तो मैं मृत्यु बन जाता हूं। जो लगातार अपने भीतर मृत्यु का अनुभव करता है, उसका जीवन सारी सृष्टि में स्पंदित होगा। मैं कौन हूं, ये ज्यादातर लोगों को मेरे जीने के तरीके से नहीं दिखता। जिस तरह से मैं जाऊंगा, शायद वो देखकर उन्हें इसका आभास होगा।